पिताजी, ईमान की डगर पर चलकर आपने हमारे लिए कुछ नहीं कमाया, पर अब मैं ईमानी की डगर पर चलकर मैं वो सब कुछ कमाऊंगा जो आपने गवा दिया था। अपनी बहन को सोने में तोल कर विदा करूंगा मैं। इस शहर का सबसे बड़ा रिश्वतखोर अफसर बनूंगा, सबसे बड़ा रिश्वतखोर। विशाल, वाकई इस गरीबी के हालात ने तुम्हें ऐसी चोट दी है कि तुम्हारी जगह अगर लोहा भी होता तो बिखर कर मिट्टी हो जाता। पर अगर हर इंसान चोट खाकर तुम्हारी तरह गलत रास्ता अपना ले तो ये दुनिया जिन का बाजार बन जाएगी। छोड़ दो ये रास्ता विशाल, मत भागो इस दौलत के पीछे जो एक दिन नागिन बनकर तुम्हारी जिंदगी को डस ले। इसे दूसरी सेल में बंद कर दो। ले, रख अपने पाप की कमाई। जरा होश की दवा करो विशाल। जिंदगी में पहली बार होश में आया हूं और होश की बात कर रहा हूं जसवंत राय। तुम्हारे इस खूनी बेटे को जब तक मैं फांसी के तख्ते तक नहीं पहुंचा देता चैन की सांस नहीं लूंगा। वत्स प्रताप राय, लगता है ये कल तुम्हें अंदर कर देगा। अवश्य अवश्य, क्या यही है तुम्हारा भविष्य? अवश्य अवश्य, यही तो है मेरा भविष्य। बेटे, ये इंस्पेक्टर बड़ी समझदारी की बातें कर गया। अब इसे कुछ ऐसे अंदाज में समझाना पड़ेगा इसके सोचने समझने की शक्ति ही मर जाए। भैया, भैया, तुमने ढेर सारे नोट लेकर केस तो बंद कर दिया और आज आज उन्हीं लोगों ने तुम्हारी बहन की इज्जत लूटी है। तुम्हारे किए की सजा मुझे मिली। भैया, मैं दुनिया में किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रही। अब इंस्पेक्टर विशाल को पता चलेगा कि अपनों का दर्द कैसा होता है।
इसे कहते हैं ऊपर वाले का इंसाफ, जैसी करनी वैसी भरनी। इंस्पेक्टर विशाल को उसकी रिश्वतखोरी का इनाम मिल गया। और हाँ अर्जुन, दारू के अड्डे पर मैंने खुद सुना है कि विशाल प्रताप के बाद नारायण स्वामी का भी कत्ल कर देगा। लेकिन वो उसे क्यों मानना चाहता है? क्योंकि प्रताप हर काम नारायण स्वामी की सलाह से ही करता है। तुम्हारे भाई का कत्ल और विशाल की बहन का बलात्कार दोनों उसी के कहने पर हुआ था, इसलिए विशाल उन दोनों को मार देना चाहता है। नहीं, मेरे भाई की हत्या के जिम्मेदारों का अंत मेरी लकीरों में लिखा हुआ है। मेरे सिवा उन्हें कोई मिटा नहीं सकता। मैं मिटाऊंगा उन्हें। मैं जानती हूँ तुम अपनी जान से ज्यादा अपनी बहन को चाहते थे। तुम्हारे दुख में मैं तुम्हारे साथ हूँ विशाल। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है उसे देखकर तो आज मैं कहूंगा कि तकदीर बड़ी बेरहम है, मगर साथ साथ ये भी जानना चाहूंगा कि इस हादसे की वजह क्या है। क्या तुम्हें किसी पर शक है? कोई तुम्हारा दुश्मन? मैं तुम्हारी आंखों में एक जलती हुई आग देख रहा हूं विशाल, इसीलिए श्रद्धांजलि के साथ साथ एक सलाह भी देने आया हूं। इंतकाम के जोश में कहीं भटक मत जाना, क्योंकि बदले की आग में इंसान सिर्फ मुजरिम बनता है विशाल, और मुजरिम कानून का शिकार बन जाता है। हेलो नारायण स्वामी, मैं राजू बोल रहा हूं। बोल बोल, सुंदरता का कोई नया राग सुनाना है वत्स? हाँ। ओहो, अवश्य अवश्य। तो फिर जल्दी प्रताप राय के गेस्ट हाउस पर आ जाओ। अवश्य अवश्य, यही तो है हमारा भविष्य। नहीं विशाल, अवश्य अवश्य, चमक गया मेरा भविष्य। कहाँ है रे मेरा पटाखा? अरे कहाँ है रे मेरा अनार? ओ कहाँ है मेरी फुलझड़ी? अरे आजा रे, फुलझड़िया बहुत जला ली तूने, आज तुझे जलना है। जिंदा जिंदा जला दूंगा तुझे। अवश्य अवश्य, पर ये नहीं है मेरा भविष्य। अवश्य अवश्य, यही है तेरा भविष्य। मेरे कल को जलाकर राख करने वाले तू कल की सुबह देख पाएगा? नहीं, जब तक मैं तेरी चिता का धुआं नहीं देख लूंगा, ये जिंदगी जहर में डूबे तीर की तरह मेरे कलेजे में चुपती रहेगी। नहीं नहीं विशाल विशाल, मैं तेरा भविष्य बना दूंगा। हाँ, अवश्य अवश्य बना दूंगा तेरा भविष्य। बच गया। Oh!
Oh, my God.